सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने शिव महापुराण धारावाहिक का निर्माण शिव भक्ति की भावना के साथ किया है। इसके निर्माण में मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि शिव भक्ति की भावना पूरे संसार में फैले। यदि इसमें कोई कमी या त्रुटि रह गई हो, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। शिव भक्तों, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और शुभ संयोग से आज शिवजी का वार सोमवार भी है। इसलिए बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की सदाशिव ज्योति के दर्शन हुए थे। आज के दिन जो शिव भक्त सच्चे मन से शिव की पूजा करता है, आराधना करता है,
उसे शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। बोलो सदा शिव शंकर की जय। सदा शिव शंकर की जय। गुरुदेव, सुना है भगवान शिव की मधुर लीलाओं का श्रवण भी शिव पूजा के समान ही उत्तम फल को देने वाला है। कृपा करके हमें शिव महापुराण की कथा सुनाइए। भाई, शिव की लीलाओं का कोई अंत नहीं। शिव महापुराण में शिव के मुख्य चरित्र की कथा है, परंतु शिव की अनेक लीलाएं हैं जो शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य पुराणों, लोक कथाओं और दंत कथाओं में भी पाई जाती हैं। प्रसंगानुसार मैं उन सभी कथाओं की रोचक घटनाएं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता रहूंगा। गुरुदेव, भगवान शिव की लीला प्रारंभ कहां से होती है? शिव की लीलाएं अनादि अनंत हैं। वे ही इस सृष्टि के सर्जक, पालक तथा संहार करता है। रुद्र रूप शिव अयोनिज और अजन्मा है। वे किसी माता के उदर से जन्म नहीं लेते। हर मन्वंतर के अंत में रुद्र रूप शिव ही इस सृष्टि का संहार करके महाप्रलय करते हैं। महाप्रलय के पश्चात यह सृष्टि विलीन हो जाती है, शेष रह जाती है प्रलयकर्ता सदाशिव की ज्योति। महाप्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अंधकार था, केवल शेष थी सदाशिव की ज्योति। सदाशिव ही निराकार निर्गुण ब्रह्म है। उनकी ही कामना और संकेत से सृष्टि का निर्माण होता है तथा अंत में सदाशिव की इच्छानुसार सृष्टि महाप्रलय में लीन हो जाती है। सृष्टि की रचना से पूर्व यही ज्योति स्वरूप सदाशिव लिंगाकार रूप धारण करते हैं। शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी विष्णु, तुम्हें तप करना है। तप करो, तप करो। तप ही तुम्हारा एकमात्र कर्म है। तप ही तुम्हारे लिए सर्वोच्च धर्म है। सदाशिव के तप में लीन विष्णु के संपूर्ण शरीर से जल धाराएं फूट पड़ी। ये ब्रह्म जल था। धीरे धीरे विष्णु के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म जल शून्य के महासागर में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात सदाशिव ने विष्णुदेव को आदेश दिया। विष्णुदेव, अब तुम इस ब्रह्म जल में शयन करो तथा उत्पत्ति के आधार बनो। ब्रह्म जल में शयन के पश्चात विष्णुदेव के नाम से कमल प्रकट हुआ।
सदाशिव ने अपने ज्योतिर्मय लिंग स्तंभ के दाहिनी ओर ब्रह्मा को प्रकट किया तथा उन्हें विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर आसीन कर दिया। ब्रह्मा चकित थे, वे कौन हैं? उनका जन्मदाता कौन है? उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? ये जानने के लिए वे जिस कमल पर खड़े थे उसी की आधारभूत कमलनाल में अपने जन्मदाता का अन्वेषण करने के लिए प्रवेश कर गए। धीरे धीरे ब्रह्मदेव नीचे की ओर गमन करके उस कमलनाल के अंत की ओर जाने का प्रयास करते हैं। उन्हें ऊपर नीचे चारों ओर शून्य ही शून्य दिखाई देता है, परंतु नीचे की ओर निरंतर गमन करके भी ब्रह्मदेव कमलनाल के अंत का संधान नहीं कर पाते। उस अंतहीन कमलनाल में वे युग युगों तक भ्रमण करते रहते हैं, परंतु उन्हें अपने सर्जक के दर्शन नहीं होते। हार कर वे पुनः ऊपर की ओर लौटने लगते हैं। उनके मन में फिर आशा का संचार होने लगता है। संभवतः अब उनके जन्मदाता उन्हें अवश्य दर्शन देंगे। परंतु उनकी आशा पूर्ण नहीं होती। धीरे धीरे वे पुनः कमल की ओर लौटने लगते हैं। अपने सर्जक का पता लगाने की ब्रह्मा की अन्वेषण यात्रा असफल सिद्ध होती है। चकित तथा भ्रमित ब्रह्मदेव पुनः कमलासन पर लौट आते हैं। आप कौन हैं? मैं हूं प्रथम पुरुष विष्णु, तुम्हारा जन्मदाता। नहीं, तुम मेरे जन्मदाता नहीं हो सकते। मेरा जन्मदाता कोई अन्य है। उस अन्य को तुम देख नहीं सकते। जिसे तुम देख सकते हो वो मैं हूं। मैं हूं तुम्हारा जन्मदाता। तुम मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। नहीं, यह सत्य नहीं है। यदि कोई मेरा जन्मदाता नहीं है तो फिर मैं स्वयंभू हूं। नहीं, तुम स्वयंभू नहीं हो। यह असत्य है। यही सत्य है। तुम दोनों का विवाद निरर्थक है। ब्रह्मदेव तथा विष्णु देव का जन्म मुझ ज्योति स्वरूप सदाशिव से हुआ है, अर्थात तुम दोनों का जन्मदाता मैं हूं। इन तीन अक्षरों द्वारा मैं ही व्यक्त होता हूं। शब्दमय ब्रह्म रूप ओम ही मेरा मूल स्वरूप है।
इसी ओम में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिंदु एवं नाद रूप में निर्गुण हूं तथा प्रणव रूप में मैं सगुण हो जाता हूं। मुझ सदाशिव को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ओम ही है। संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान मुझ प्रणव रूप में ही समाहित है। यही ओम मेरा सनातन प्रतीक है। शिव के प्रतीक ओम में से सर्वप्रथम चंद्र प्रकट हुआ, जो शिव के मस्तक की शोभा बना। डमरू जो शिवनाद का सर्जक एवं नटराज शिव का प्रमुख वाद्य है। त्रिशूल जो संसार की दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला शिव का प्रमुख अस्त्र है। नाग विषधर नाग शिव कंठ की शोभा बनकर विष प्रभाव का अंत करते हैं। शिव अंगों की शोभा बढ़ाने वाली अक्षमाला शरीर ताप पर नियंत्रण करती है। त्रिपुंड ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक शिव के ललाट की शोभा बना। त्रिनेत्र शिव के मस्तक पर विराजित ये असाधारण नेत्र शिव की संहारक शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मदेव अब तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। जो आज्ञा सदाशिव। विष्णुदेव ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि का तुम्हें पालन करना है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है सदाशिव। सृष्टि रचना के कार्य में सर्वप्रथम 24 तत्वों से युक्त हिरण्यवर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उस ब्रह्मांड में चेतना जागृत करने के लिए भगवान विष्णु उसमें समाहित होकर सर्वत्र व्याप्त हो गए। फिर ब्रह्मांड दो भागों में विभाजित हो गया। ऊपर आकाश बना, नीचे का भाग जल तथा पृथ्वी बने। अपनी इस रचना से ब्रह्मदेव संतुष्ट न थे। उन्होंने चिंतन किया। उस चिंतन के फलस्वरूप उनके मस्तक से 4 मानस पुत्र उत्पन्न हुए।
सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मेरे मानस पुत्रों, मानव सृष्टि की उत्पत्ति हेतु मैंने तुम्हें प्रकट किया है। परमपिता, हमें क्षमा करें, हम चिंतन द्वारा आपके मस्तक से प्रकट हुए हैं, यह कार्य हमसे नहीं होगा। हम सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहना चाहते हैं। वैराग्य ही हमारा धर्म एवं कर्म है। परमपिता, सृष्टि रचना तथा मानव उत्पत्ति में हमारी कोई रुचि नहीं है, हम तो तत्व चिंतन के मार्ग का अनुसरण करेंगे। हमें क्षमा करें परमपिता। अपने इन चारों मानस पुत्रों की वैराग्य वृत्ति देखकर ब्रह्मा को निराशा हुई। उन्होंने पुनः मानव सृष्टि की कामना से अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति का संकल्प किया। प्रजापति ब्रह्मा ने अपने नेत्र द्वारा प्रथम मानस पुत्र मरीचि को सृष्टि रचना के उद्देश्य से उत्पन्न किया। परंतु मरीचि ने तपस्या के लिए जाने का निश्चय किया। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने अपने हृदय से तेजस्वी मानस पुत्र भृगु को उत्पन्न किया। भृगु ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र कहलाए। ये भी तपस्या के लिए चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने मस्तक से तीसरे मानस पुत्र अंगिरा को उत्पन्न किया। सृष्टि रचना के उद्देश्य से उत्पन्न अंगिरा भी तत्काल तपस्या के लिए चले गए। परमपिता ब्रह्मा ने व्यान वायु द्वारा अपने चौथे मानस पुत्र पुलह को उत्पन्न किया। पुलह ने भी तपोमार्ग की ओर प्रयाण किया। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मदेव ने अपान वायु द्वारा अपने पांचवें मानस पुत्र पुलस्त्य को उत्पन्न किया। पुलस्त्य ने भी तप का मार्ग अपनाया। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने समान वायु अर्थात मुख से अपने छठे मानस पुत्र वशिष्ठ को उत्पन्न किया। वशिष्ठ ऋषि ने भी अपने अग्रजों का अनुसरण किया। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने दोनों कानों से अपने सातवें मानस पुत्र अत्रि को उत्पन्न किया। अत्रि ऋषि का मन भी तपस्या की ओर उन्मुख था। Thank you.
अपने मानस पुत्रों को सृष्टि कामना से विरक्त होते देखकर ब्रह्मदेव पुनः चिंतित हुए। वे असमंजस में थे कि मानस पुत्रों में अब किन्हें उत्पन्न करें जो उनका कार्य सिद्ध कर सकें। चिंतन करने पर उन्हें भक्ति भावना के अग्रदूत नारद तथा प्रजापालक का कर्तव्य वहन करने वाले दक्ष प्रजापति को उत्पन्न करने की प्रेरणा मिली। वत्स नारद, तुम भक्ति स्वरूप हो, संसार के प्राणियों में भागवत भक्ति का प्रसार करोगे, जिससे लोग धर्म भावना को अपनाएं तथा पाप कर्मों से बचे रहें। जीवन धन्य हुआ परमपिता। नारायण नारायण। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति की भावना से प्रजा का पालन करोगे। जो आज्ञा परमपिता। पुष्प धनुआ कामदेव, तुम नर नारी के बीच सौंदर्य का आकर्षण उत्पन्न करके सृष्टि सृजन की प्रेरणा जगाओगे। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योति स्वरूप सदाशिव, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने सृष्टि की रचना तथा मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, परंतु सृष्टि का रचनाकार बनकर भी मैं अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए परमेश्वर। वत्स ब्रह्मा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। सदाशिव, आपका यह रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। ब्रह्मदेव, ज्योति स्वरूप मुझ सदाशिव में शिव तथा शक्ति का यही अर्धनारीश्वर रूप अंतर्निहित है। प्रकृति और पुरुष की सम्मिलित सत्ता का नाम ही अर्धनारीश्वर शिव है, अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद जाने बिना तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव, सदाशिव ही शिव हैं। शिव शिवा ही अर्धनारीश्वर रूप हैं। अभिन्न होते हुए भी संसारियों के सम्मुख लीला करने के लिए शिव तथा शक्ति भिन्न रूप में दिखाई देते हैं ब्रह्मदेव। शिव की इच्छा तथा आज्ञा से ही आवश्यकता अनुसार शक्ति अवतार धारण करती है। शक्ति सदा शिव की सहचरी है। परंतु शिव शक्ति की अभिन्नता में भिन्नता का रहस्य सामान्य संसारियों की समझ में कैसे आएगा प्रभु? वही लीलाएं करने के लिए ही तो हमने आपको सृष्टि रचना तथा विष्णु देव को सृष्टि पालन का आदेश दिया है ब्रह्मदेव। तो अब वे लीलाएं प्रारंभ कीजिए सदाशिव। जगतवासियों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करके धर्म
ज्ञान तथा कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत कीजिए परमेश्वर। ब्रह्मदेव की प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। तथा अस्तु ब्रह्मदेव, हम रुद्र अवतार धारण करके कैलाश पर प्रकट होंगे। कैलाश पर ही क्यों प्रभु? इसलिए कि संसार के सम्मुख घोर तपस्वी तथा महायोगी का आदर्श प्रस्तुत करना चाहता हूं। ऐसा योगी जो वैराग्य की भावना के साथ शरीर पर शव भस्म लगाकर संसार को नश्वरता का संदेश दे, वाघंबर पहनकर आदि देवता का रूप धारण करके हिममंडित कैलाश पर रहकर शीतल वातावरण में अविचल योग समाधि लगाए। माता शक्ति, आप अपनी लीला कब प्रारंभ करेंगी? मनुष्य मात्र के समक्ष नारी का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए शक्ति का नारी रूप में अवतार लेना आवश्यक है। शिव के रुद्र रूप की सहचरी बनने के लिए मैं नारी अवतार धारण करूंगी। कब कहां ये भी बताने की कृपा कीजिए माता। ब्रह्मदेव, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं शिव की आज्ञा लेकर आपके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में जन्म लूंगी। अब आप अपना अपूर्ण कार्य पूर्ण कीजिए। मैं धन्य हुआ माता। अर्धनारीश्वर में प्रकृति तथा पुरुष के दर्शन करने के पश्चात ब्रह्मदेव प्रेरित हुए प्रजोत्पत्ति कारक नर तथा नारी की उत्पत्ति हेतु तब उन्होंने प्रथम नर मनु तथा प्रथम नारी शतरूपा को उत्पन्न किया। वत्स मनु, इस सृष्टि में तुम प्रथम पुरुष हो जिसे मानव उत्पत्ति का मैं अधिकार देता हूं। जो आज्ञा। शत्रुपा, इस सृष्टि में तुम प्रथम नारी हो। तुम्हें मानव उत्पत्ति में मनु को सहयोग देना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधारी है परमपिता। शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्र
जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा निर्विकार ओंकार अविनाशी जटाधर अभयंकरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा शूल पाणि त्रिशूल धारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंबरा शूल पाणि त्रिशूल धारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंबरा विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप शापतम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशापतम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा 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 ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा शिवा
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव महापुराण।